जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। जब 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो ये उम्मीद थी कि अब झारखंड बन चुका है तो आदिवासियों की जीवन जो है वो पहले से बेहतर होगी। आदिवासियों के लिए संविधान ने भी कई सारे लॉ आर्टिकल्स ये सब इम्बोर्डेड है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी आदिवासियों के साथ वो न्याय नहीं हो पा रहा है जिनके वो हकदार है। एक पूरा का पूरा नया राज्य मिल गया है, पूरा का पूरा झारखंड मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी उनके आप जमीन की बात कर ले या फिर उनके राइट्स का हनन होते ही रहता है। राजभवन के सभी टाना भगत सिक्स शेड्यूल को लेकर, पंचायत राज को लेकर बहुत लंबे समय से धरना दे रहे हैं। तो वहीं पर उनके जो बेसिक राइट है, जैसा अभी हम आपको सुनाएंगे, एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। डॉक्टर कर्मा उराव जो कि आदिवासी मूलवासी संगठन के अध्यक्ष है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि आज इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस बाहर से, इतना ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में इंटरफेरेंस होता है कि आज हमारी कम्युनिटी की जो विशेषता है वो कहीं ना कहीं खोती चली जा रही है। साथ ही पॉलिटिकल रीजन भी है, सरकार भी नियोजन नीति नहीं लागू करी है, इस वजह से भी हम आज बहुत पीछे हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस जो आज आदिवासी समाज झेल रहा है। आप ही देखिए क्या कुछ कहा डॉक्टर कर्मा उराव ने। करेंगे और लार्जर स्थिति में हम सामाजिक संगठन को जोड़ेंगे, और जो सामाजिक संगठन है, पढ़ा है, डुक्लोस और है ना, और अन्य संस्थाएं हैं, उनसे संपर्क करके वहां पर बैठक करके रिजोल्यूशन लेंगे कि उनकी भावनाएं क्या है, उनकी मनसा क्या है, उनका सामाजिक परिस्थिति क्या है, रीति नीति है, रूढ़िगत प्रथा क्या है, ये तमाम चीज़ को रेखांकित करने की बात हो रही है। कर्मा जी, आज जो आदिवासियों की हालत इतना जाती होगी, आपके हिसाब से इसका जिम्मेदार कौन है, क्या कहा जाएगा इस पर? इसके जिम्मेदार पहला तो हम खुद हैं, आदिवासी खुद हैं, जो अपने आप को रिजॉल्व नहीं कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। दूसरा, इनके जीवन में इंटरफेरेंस बहुत है। आज इसके जो परंपरागत अवस्था में वेस्टर्नाइज इंपैक्ट आप देख रहे हैं, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ लाइफ एंड रिलीजन आया है। दूसरी परिस्थिति हमारे साथ आई है हिंदूकरण की, हमारे सोसाइटी का हिंदूकरण हो रहा है, और हम लोग का जो अपना सोसाइटी का ट्रेडिशनल फीचर्स है उसमें बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शंस इंटरकोर्सेस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है हमारे सोसाइटी को करने के। आज पॉलिटिकल रीजन के चलते कई तरह का डिफिनेशन आदिवासी समाज को करते हैं, तो वो नहीं हो करके जो ट्रेडिशनल फीचर्स है उसको कैसे अपहेल्ड करें ताकि हमारा समाज एक व्यवस्थित परंपरा में चल सके। अभी भी आदिवासी समाज बंद समाज है, क्लोज सोसाइटी है। अब क्लोज सोसाइटी में अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, और जीवन जीने का जो संविधान में भी इसका रक्षा दिया है, ताकि फिफ्थ शेड्यूल पेशा कानून है ना, और सिक्स्थ शेड्यूल, ये तमाम चीज़ कानून क्यों बने, उनकी अपनी उनकी संस्कृति सभ्यता और दूसरे चीज़ के सुरक्षण के लिए और व्यवहार मिलाने के लिए उनके जीने का, ये है संविधान में कि कोई वेदर द कम्युनिटी इज स्मॉल और बिग, इट हार्डली मैटर्स इफ दे वांट टू लिव ऑन देयर ओन लाइन ऑफ एक्शंस एंड ट्रेडिशंस, दे आर अलाउड टू सर्वाइव अकॉर्डिंग टू दैट। दिस इज द सिचुएशन कंस्टिट्यूशन दैट शुड बी अवेल अपॉन, ये हमारा चिंता है। परंपरा से हटके हो रहा है, और जो हमारी परंपराएं जो व्यवहारित कानून है उसके आधार पर नहीं हो करके दूसरा डिसीजन हो रहा है, इससे हम लोग समाज चिंतित हो चुका है कि कैसे इसको हम लोग रिजॉल्व करें ताकि हम एक अच्छी व्यवस्था दे सकें। तो इसके लिए हमारा यहाँ सबसे ज़्यादा अधिकृत है सामाजिक संगठन, तो हर समाज में, आदिवासी समाज में सामाजिक संगठन परंपरा में है, जैसे पढ़ा है, डुक्लो सोहर है, और परगनाइत है, मुंडा मान की सिस्टम है, उसकी बैठक की जाए और इस मामले को जानकारी हासिल किया जाए कि उन लोग क्या है, किस तरह का परंपरा, और उसको हम लोग रिजॉल्व करके संबंधित अधिकार में या जहाँ पर सरकार में या कोर्ट के सामने हम लोग रखेंगे रिजॉल्व करेंगे, ये हम लोग का है, ताकि ये समस्या का निदान हो सके। आज आज और एक परिस्थिति है जिसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आजकल बहुत अधिक संख्या में आदिवासी बच्ची लड़कियाँ गैर आदिवासी समुदाय के लड़कों के साथ शादी कर रही हैं, और हम लोग का उसका स्टेटस क्या होगा, विवाहेतर स्टेटस क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज का जो संदर्भ है राज्य सरकार का जो नोटिफिकेशन है उसमें उसके विवाहेतर संबंध, विवाहेतर जो स्थिति है, स्टेटस है, वो एसटी का है,
शेड्यूल ट्राइब का है। आप शेड्यूल ट्राइब होने के नाते ज़मीन भी खरीद सकती हैं, बेच भी सकती हैं और अन्य लाभ भी उठा सकती हैं, जैसे मुखिया, प्रमुख, MLA, MP तक वो खड़े हो सकते हैं। तो एक तरह हम लोग का ज़मीन घसक रहा है समाज से, तो कॉमन प्रॉपर्टी है। आदिवासी समाज में संपत्ति एक आदमी का नहीं होता है, एक कम्युनिटी का होता है, सामुदायिक प्रॉपर्टी होती है। वो सामुदायिक प्रॉपर्टी फ्लश आउट हो रहा है, दूसरे कम्युनिटी में चली जा रही है बाई वे ऑफ दिस वे। उसको कैसे रोकना है और इसको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे सोसाइटी में, ये प्रमुख मुद्दा होता है। और आज हम लोग के समाज में कस्टमरी प्रैक्टिसेज एंड कस्टमरी लॉ और आज तक हम लोग का कोडिफाइड नहीं हुआ। कोडिफाइड जिस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है या शरियत है, ये अन्य चीज़ें हैं, उस तरह का हमारा समाज में अभी तक स्वरूप नहीं ले सका है। तो आज चिंता किया गया बुद्धिजीवी समाज ने, सभी संगठन के लोग, कि इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए और समाज एक कॉमन समान अवस्था में एक सामाजिक नियम पारित करे ताकि वो कोडिफाई हो सके कमिंग डेज। ये हम लोग का निर्णय हुआ कि भाई इसके लिए हम लोग बड़ी सभाएं करेंगे। इतने आज पहली बैठक है। तो आज का जो आप लोगों का बैठक था, ये किस विषय पर था, जरा विस्तार पूर्वक बताइएगा। आज विभिन्न सामाजिक संगठनों का एक संयुक्त बैठक है और इस बैठक में हम लोग आदिवासी समाज में और आदिवासी के सामुदायिक ग्रुप में जो व्यवहार है, परंपरा है, हैं उसका विषय में हम लोग आज छानबीन कर रहे हैं। विशेषकर पैतृक संपत्ति में अधिकार महिला पुरुष आदिवासी समाज जो ट्रेडिशनल फीचर था आदिवासी में, परंपरा में जो है उसमें पुरुष प्रधान समाज है, आज तक रेखांकित किया गया है और जमीन का हस्तांतरण पुरुष के नाम से ही होता रहा है। आज के संदर्भ में और कई और प्रावधान हैं, महिलाओं का ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष का है, कई ऐसे प्रोविजो हैं समाज ने बनाया है कि अगर किसी परिवार में वंश केवल लड़कियां बची रहती है तब उनके बच्ची रहती है महिला, तो जब तक उनकी शादी नहीं होती है तब तक वो उनका अधिकार पूरा और माने उपयोग करती है, वो करती है और साथ साथ जब तक वो जिंदा रहती है तब तक, और जब उनका माने अन्यत्र कहीं हो जाता है और उसका विस्थापन हो जाता है, वैसी दशा में उसका परिवार दूसरे वंश में उसका वितरण हो जाता है। इस तरह के सामुदायिक जो संपत्ति है, जमीनी संपत्ति है, उस पर अधिकार का विस्तार किया गया परंपरा। आज कुछ लोग विशेष परिस्थिति में या उनकी अपनी विशेष कठिनाइयाँ होंगी, वो लोग कोर्ट में चले जा रहे हैं, कोर्ट जजमेंट। तो आपने साफ तौर पर उन्हें कहते हुए सुना कि आदिवासी समाज आज बहुत पीछे है और बहुत सारे कम्युनिटियों को, आदिवासी समाज का डेवलपमेंट होना है तो और भी कम्युनिटियों को साथ आना पड़ेगा। हम इससे बड़े तादाद में बैठक करने की कोशिश करेंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे जिससे आदिवासी सबसे पहले अवेयर हो, जागरूक हो, क्योंकि संविधान में शायद ही किसी कम्युनिटी को इतना राइट दिया गया होगा जितना आदिवासी को दिया गया। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि आदिवासी को खुद नहीं पता होता है कि मेरा राइट क्या है, उन्हें बेसिक राइट नहीं पता होता है। तो जागरूक होना पड़ेगा और इसके लिए ऐसे संगठन को सामने आना पड़ेगा। ऐसी तमाम खबरों के आप देखते रहिए जीएन भारत में। शिखा सर अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।